बिहार जीत लिया है, अब बंगाल पर चढ़ाई की बारी है। बिहार में महाविजय के महाजश्न में बिना बंगाल और ममता बनर्जी का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी और पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधा और स्पष्ट संदेश दे दिया कि बस अब बंगाल फतेह की तैयारी करो, महारण का शंखनाद करो। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके, वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। अगले साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तय है और ममता के गढ़ में सेंधमारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल को झुठलाते हुए बीजेपी के दम पर एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के लिए अब अगला चुनावी मिशन बंगाल चुनाव ही है, जहां जीत के लिए बीजेपी ने पिछले कुछ सालों से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नरेंद्र मोदी के ऐलान ने बंगाल से टीएमसी में खलबली है। प्रधानमंत्री के प्रहार का जवाब देने के लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय सामने आए। आप तो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इस रास्ता में घूमते हैं, ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ब्रेकडाउन हुआ? ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक तो नैरेटिव बनाया जाता है बीजेपी की ओर से, और बीजेपी और उसके पहले आरएसएस ये तो झूठा प्रचार में माहिर है, तो कोई भी बात फैला देता है, वही फैला रहे हैं। बीजेपी के लिए बंगाल एक ऐसा सियासी गढ़ है जहां बीजेपी अब तक सत्ता से दूर है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब चुनौती बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की है। साल 2020 में प्रधानमंत्री दो बार जनवरी और मई में बंगाल का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह भी मार्च और नवंबर में बंगाल जा चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अक्टूबर में बंगाल का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी की ये तैयारी बता रही है कि पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर कितनी संजीदा है। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती है। बीजेपी की हिम्मत और हौसले को बंगाल के कद्दावर टीएमसी नेता भी बढ़ा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है ममता के मंत्री शुभेंदु अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी रैली कर रहे हैं और सत्ताधारी को सार्वजनिक धमकी भी दे रहे हैं। और तो और, शुभेंदु अधिकारी के अलावा तीन और मंत्री राजीव बनर्जी, गौतम देव और रविंद्र घोष कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि गौतम देव और रविंद्र घोष कोरोना पीड़ित हो गए, लेकिन राजीव बनर्जी की गैर मौजूदगी की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, जो ममता के लिए अच्छी खबर नहीं है। कुल मिलाकर 2021 में बंगाल में घमासान प्रचंड है, जहां 2011 से सत्ताधारी टीएमसी की सियासी आकांक्षा से लवरेज बीजेपी की टक्कर है। साल 2021 ही तय करेगा कि बंगाल में तृणमूल का फूल खिला रहेगा या फिर कमल खिलेगा। कोलकाता से मनोज्ञ लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।